When force is applied, then what happens? When force is applied, then what happens? Yes? Yes. I told you कि सिर्फ force apply करने से कुछ नहीं होगा. Suppose you are reading a lesson for 2 hours by sitting at one place, then you have not done any good. Okay? So it depends upon the situation, and the first prime condition is that the object must move. पहले तो हम ये देखते हैं कि object displaced हुई कि नहीं. अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होनी चाहिए. ओनली देन वी विल से दैट द वर्क हैज बीन डन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ वर्क? यस, यस, डब्ल्यू इज इक्वल टू सिंपली एफ एस. पहले तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और अगर एंगल भी है तो एफ एस कॉस थीटा. तो हो गया लर्न फॉर्मूला. W इज इक्वल टू एफ एस और W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? जाउल. जाउल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क. व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क? अर्ग. अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. डू यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जाउल एंड अर्ग? वन जाउल इज हाउ मेनी अर्ग? ये कराया नहीं है वैसे. चलो आज हम डिफाइन करते हैं तो फिर पता चल जाएगा आपको. यू सिट डाउन. वी वर डूइंग द टाइप्स ऑफ वर्क एज वेल. हु विल टेल मी व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? व्हेन इज पॉजिटिव वर्क सेट टू बी डन? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉजिटिव हियर? Yes. When angle between force and displacement is 0 degree, or when the force and displacement are in the same direction, then work done is said to be positive. ठीक है, तो हमने देखा था कि work था plus fs. Okay, we were doing the examples of positive work. एक example मैंने कल आपको बताया था. Do you remember that? When is the work done positive? Any example you can tell? हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है. बिकॉज इन वन सिचुएशन, सिंगल सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. एक फोर्स का वर्क पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे फोर्स का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है. तो इसलिए वी हैव टू मेंशन कि कौन सा फोर्स जो है जिसका हम वर्क मेंशन करते हैं. ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं लिखना कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उससे कुछ क्लियर नहीं होगा. You will see कि positive work के example में और negative work के example में हम दोनों freely falling object और vertically upward thrown object दोनों को लेंगे. तो simply by writing कि object falling freely is doing positive work, negative work वो suffice नहीं करेगा. ठीक है, that won't be sufficient, right? तो लिखिए first example, let us understand first of all. I was telling you when we throw a ball downward. In which direction is the force acting? Downward direction. Force is acting in the downward direction. And it is also going in the downward direction or upward direction? Downward direction. The displacement is direction. Downward. Downward. So, displacement bhi idhar hi ho rahi hai. S bhi idhar hai, F bhi idhar. So, iska matlab same direction mein to work done kya hua? Positive. But by which force? Ye kaun sa force hai? ग्रेविटेशनल. अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, जो कॉइन मैंने फेंका, जो बॉल मैंने थ्रो की, उसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फोर्स? ग्रेविटेशनल. सो वी विल से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज पॉजिटिव. रीजन क्या है? क्योंकि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. नाउ डिड यू गेट दिस पॉइंट? Is this okay? लिखिए first example of positive work now. Work done हमने mention कर दिया कि कौन से force ने work. हाँ जी. हाँ, positive work का first example है ये. Work done by gravitational force.
work done by gravitational force when an object falls free. When an object falls free. Okay, that work is positive. Work done by gravitational force when an object falls free is positive. So, we have positive ke aur do teen examples karenge. ठीक है. Have you seen tug of war? Yes. Tug of war शायद आपको भी खेलती हो कभी. ठीक है. तो उसमें क्या important होता है tug of war? बैलेंस नहीं, उसमें विनर भी तो आता है ना हमें. तो कौन किसकी डायरेक्शन में, मतलब क्या हम कैसे विनर डिसाइड करते हैं? जिस तरफ फोर्स ज्यादा, तो कैसे पता चलता है किस तरफ फोर्स ज्यादा? किसकी किसकी डिस्प्ले की? देखो, जो जिसकी डायरेक्शन में रोप चली जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, वो विनर होता है. तो रोप की डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, दैट इज इंपॉर्टेंट. और वो किस डायरेक्शन में रोप जाएगी? Whosoever is applying greater force. ऐसे ही होगा ना. तो यहाँ पे अब टू टाइप्स के फोर्सेस हैं टग ऑफ वॉर. एक है फोर्स अप्लाइड बाय विनिंग टीम. विनिंग टीम ने फोर्स किधर लगाया? और दूसरी है लूजिंग टीम. ठीक है, जो टीम हार गई. अब विनिंग टीम, अब रोप किसकी डायरेक्शन में जाएगी? विनिंग टीम. डिस्प्लेसमेंट इसी की डायरेक्शन में और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है. और ये फोर्स तो उधर लगा रहा था विनिंग टीम पर, इसका फोर्स स्मॉलर है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय विनिंग टीम इन टग ऑफ वॉर इज पॉजिटिव. व्हाट इज द वर्क डन बाय लूजिंग टीम? दैट इज नेगेटिव. क्योंकि रोप विनिंग टीम की डायरेक्शन में तो गई नहीं. विनिंग वहां पे दो टीम्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. विनिंग टीम भी है, लूजिंग टीम भी है. आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा विच फोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, विच टीम यू आर टॉकिंग अबाउट. Is that okay? तो लिखिए सेकेंड एग्जाम्पल. वर्क डन बाय विनिंग टीम. वर्क डन बाय विनिंग टीम इन टग ऑफ वॉर इज पॉजिटिव. वर्क डन बाय विनिंग टीम इन टग ऑफ वॉर इज पॉजिटिव. Work done by winning team in tug of war is positive. Third example. Work done when we push or pull a lawn roller. Lawn roller देखा आपने? जो grass cutting के लिए use करते हैं. तो अगर हम उसको push करते हैं तो उसी direction में displace होता है. अगर हम उसको pull करते हैं तो वो पीछे को आना शुरू हो जाता है. Lawn roller. जो ग्रास कटिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, तो काफी हैवी होता है. व्हेन यू पुश इट, इट अपीयर्स टू बी हैवियर. व्हेन यू पुल इट, इट अपीयर्स टू बी लाइटर. ऐसे भी होता है ना. बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि व्हेन वी फाइंड इट इजी टू मूव. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये किस डायरेक्शन में मूव करता है. व्हेन वी पुल इट और पुश इट, किस डायरेक्शन में मूव करता है? जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है. ठीक है. सो वर्क डन इन पुशिंग और पुलिंग अ लॉन रोलर इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारे फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है. तो लिखिए थर्ड एग्जांपल. वर्क डन इन पुशिंग अ लॉन रोलर. वर्क डन इन पुशिंग अ लॉन, दोनों में से कोई एक लिख देते हैं आप. और पुलिंग भी लिख सकते हो, बट टेक एनी वन एग्जांपल. वर्क डन इन पुशिंग a lawn roller is always positive. Lawn roller is always positive. Pulling may be positive. अब spring, spring have you seen a spring? उसको आप stretch करो तो किस direction में वो stretch होता है?
जहां फोर्स लगा रहे हैं कंप्रेस करो तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो उस केस में भी वर्क डन पॉजिटिव ही होगा। नहीं, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसी डायरेक्शन में होगा, अगर आप फोर्स बाहर को अप्लाई कर रहे हो तो वो भी डिस्प्लेस उधर ही होता है, अगर आप उसको इधर फोर्स लगा रहे तो उधर ही होता है, ऐसे ही होता है ना। बट स्प्रिंग में भी देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल देर इज अ स्प्रिंग लाइंग ऑन अ टेबल, इट इज वन एंड इज कनेक्टेड टू फिक्स्ड एंड, ये एक फिक्स्ड एंड है, दूसरा एंड हमारे हैंड में ये यहाँ, ठीक है। तो अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन तो पॉजिटिव, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। लिखिए एग्जाम्पल, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्थ एग्जाम्पल, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ वर्क इज नेगेटिव वर्क, सो अब बाय नाउ यू मस्ट हैव गेस कि नेगेटिव वर्क ऑफ ब्रेन इज, यस एनी आईडिया फ्रॉम दैट टू यूजिंग टीम होगी, एनी जनरल पॉजिटिव वर्क हमने बोला था व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सिलेंडर, डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। If force and displacement are in the opposite direction, if force and displacement are in the opposite direction, if force and displacement are in the opposite direction. ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव वर्क बोलेंगे, क्यों, उसका रीजन क्या। अब व्हेन दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो एंगल क्या होता है, ये फोर्स है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो एंगल कितना बनता है 180 का, तो थीटा इज 180 डिग्री। व्हाट इज द फार्मूला वर्क, F is cos 180 degree. Theta को क्या put करेंगे? 180. What is cos 180? Calculation value minus 1. So cos 180 की value table में से देखती है minus 1. So work done is negative. So that's why work done is negative in this way. ठीक है, तो ये negative work आ रहा है, उसके साथ ये लिखिए एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन के बाद लिखो थीटा 180 डिग्री हो गया और ये एक्सप्लेनेशन लिखिए माइनस आ गया नेगेटिव आ गया, वो तो वैल्यू है उसकी, जैसे कॉस 0 मान है वैसे कॉस 180 माइनस, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो नेगेटिव वर्क डन यू अंडरस्टैंड क्या होता है, यस। And to be more specific, for all obtuse angles work done will be negative. ये तो हमने एक special simplest case ले लिया, वैसे सारे obtuse angles के लिए always work done will be negative. और हर case में नहीं, हर एक obtuse angles के case में always work done will be negative और acute angles के लिए always work done will be positive.
ठीक है, बॉबी पर आप 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव वर्ब, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव वर्ब, वही वाले एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट लेंगे हम, बस इसमें फोर्स डिफरेंट है. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अगेन वी विल टेक अप द सेम एग्जाम्पल, बट नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली. नाउ वी विल थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप. अब मैंने एक बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, अब ये इसके ऊपर अभी भी अर्थ इसको पुल कर रही है. Gravitational force is still acting in the downward direction. But where is the ball displacing? What happened? It is displacing in the upward direction. So force abhi bhi downward direction mein act kar raha hai, but displacement upward direction mein ho rahi hai, bilkul opposite. So 180 degree ka angle ban gaya. Kitna angle ban gaya? 180 degree ka. So force and displacement are in the opposite direction. This type of work done is negative. So bas object ab downward nahi, upward ja rahi. So work done by gravitational force is different now. That is negative, not positive. Okay, fine. So likhiye first example of negative work. Write down first example first. Bolo kya example hai? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, लिखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. Work done by gravitational force when an object is thrown vertically up. When an object is thrown or projected vertically up. Work done by gravitational force is negative when an object is thrown vertically up. When an object is thrown vertically up. When an object is thrown vertically up, then the work done by gravitational force is negative. Second example. First is clear. Work done by gravitational force is negative when an object is thrown vertically up. So, आप imagine कर सकते हो कि force downward है but displacement upward है. Second example, tug of war का ले लेते हैं. अब यहाँ पे winning नहीं, losing team का work done negative. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ विनिंग टीम बट द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द लूजिंग टीम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, सो सेकंड एग्जांपल राइट डाउन. वर्क डन बाय लूजिंग टीम, वर्क डन बाय लूजिंग टीम इन टग ऑफ वॉर इज नेगेटिव. Listen students, on 17th of this month your copies will be checked by principal ma'am. Okay, so you have to bring your copies on 17th November. Okay, so you will bring all the copies there. Second example is work done by losing team in tug of war is negative. Work done by losing team in tug of war is negative. How copy it? Bring here. Work done by losing team in tug of war is always negative. करो, अच्छी बात है. ये आपको कैसे क्लियर होगा अप्लाइड फोर्स कौन सा है? अभी हम एक और फोर्स की बात करेंगे.
and it becomes very clear ki winning team ki direction and displacement s wahan pe hai aur force losing team ki baat kar rahe hain positive negative dono clear ho jate hain ठीक है तो ये इसमें doesn't take much time but the situation is clearly understood आपके जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं टीचर गेट्स टू नो दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट राइट सो सेकंड एग्जांपल ही हैव रिटन वर्क डन बाय लूजिंग टीम इन टग ऑफ वॉर इज ऑलवेज नेगेटिव वन मोर एग्जांपल हियर वी कैन ऐड ऑन इन नेगेटिव वर्क वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव डू यू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन आपको पता है ना इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट so work done by friction in all the cases will be negative always we can take up a particular example when the brakes are applied when the brakes are applied the vehicle stop ho jata hai kyun rukta hai wo friction ki wajah se to yahan pe aap likh sakte ho likhiye third example of negative work work done by friction when the brakes are applied aise likho yahan se hi normal case tha ha likh sakte work done by friction when the brakes are applied is negative Work done by friction when the brakes are applied is always negative because friction always opposes motion. It always will be in the opposite direction of displacement. So work done by friction will always be negative. Work done by friction will always be negative. Fourth example of negative work is. Let's come back to the example of spring. अब इसमें अभी तक आपने देखा कि when we stretch the spring, it gets extended in the same direction. But when you leave the spring, what happens? It will come back first oscillate. छोड़ो पहले वो उसके भी बात की बात है. Immediately after you leave the spring, what happens? It comes back. अब आपने तो फोर्स ऊपर लगाया था. ये वापस क्यों आया? Because of some other force. कोई और फोर्स एक्ट कर रहा होगा ना इसके ऊपर जो इसको वापस लेके आया दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स दैट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो स्प्रिंग में एक और फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स दैट ऑलवेज ब्रिंग्स द स्प्रिंग बैक तो अब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उधर और पर ये इसको इधर लेके आने की टेंडेंसी रख रहा था ये इसको इधर लेके आने की कोशिश कर रहा था इट वाज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो इनको डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रही थी पर ये इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स एंड देयर एक्सटेंशन दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट्स व्हाई वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव देखो दोनों केसेस में हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया व्हाट हैपेंड गर्ल्स यस इन बोथ ऑफ द केसेस वी स्ट्रेच्ड द स्प्रिंग वी एक्सटेंडेड द स्प्रिंग बट व्हेन वी मेंशन अप्लाइड फोर्स वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन वी मेंशन रिस्टोरिंग फोर्स वर्क डन इज नेगेटिव ठीक है समझ में आ गया ये तो लिखिए फोर्थ एग्जांपल वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स Work done by restoring force. Fourth example, negative work. Work done by restoring force when a spring is stretched. When a spring is stretched, is negative. ठीक है? तो अब देखो अगर आपने नहीं बनाया होगा तो घर जाके आपको 2 days बाद, 3 days बाद कैसे पता लगेगा कि restoring force कहाँ है, applied force कहाँ पे है ना? तो इसको थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर लीजिए इधर इन पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव ड्रॉ कर तो एक्सटेंशन इनको कहां है डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड बट रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव बट वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव इज दैट ओके नाउ इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स ठीक है कोई डाउट यहाँ तक सो फोर्थ फॉर एग्जांपल्स वी हैव डन ऑफ पॉजिटिव वर्क एज वेल एज नेगेटिव हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क
फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन है ना। अगर आप आगे जा रहे हो साइकिल चला रहे हो तो आपको पैडल हार्ड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन ऑपोजिट, तो आपकी साइकिल की डिस्प्लेसमेंट उधर हो फॉरवर्ड बट द फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड, वी आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, दैट इज द रीजन। ओके फाइन, so have a look at all these examples once.